बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट अबीर बस। नाज़रीन करम, इस वक्त मैं खड़ा हूँ लियारी चौक के बिल्कुल अपोज। तो ये बड़ा चौक जो है बिजी है, ये आप सामने गए चार चौक पड़ रहे हैं, बल्कि पाँच से छः पड़ रहे हैं। तो यहाँ बड़ी हैवी ट्रैफिक भी चल रही है, और इसके सामने एक फलाई इदारा है, पहले तो उसका नाम था शेल्टर होम या एहसास प्रोग्राम, अब उन्होंने रखा है शेल्टर होम। तो शेल्टर होम को हम सामने ही बिल्कुल खड़े हुए हैं, यहाँ गन्ने वाला बेचारा खड़ा हुआ है, नेक बंदा है, चला गया नमाज पे, तो हम भी खड़े हुए हैं। ज़रा हमने बोला उससे ज़रा पी भी लें और कुछ बातें वगैरह ये भी हम उनके तासुरात लें, रिकॉर्ड कर लें। तो ये देखें कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ज़िंदगी काटनी बहुत ही मुश्किल है, लाइफ नथिंग ईजी। अब ये देखें बेचारा ये जो को रेडी लेके घूम रहा है और हाथ से इसको चलाएगा बगैर किसी इलेक्ट्रिसिटी के या बगैर किसी जनरेटर के, तो इसको चलाना मैं समझता हूँ कि इतना ईजी नहीं है। ले मैं एप्रिशिएट करता हूँ उस बंदे को और ऐसे हज़ारों बंदों को जो बेचारे ठेला खींच रहे हैं, गधा गाड़ी चला रहे हैं, या इवन जो के मतलब इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अगर आप लोग देखें तो मैं तो आप लोग को एक एडवाइस दूंगा, तो कुछ ना कुछ ऐसे लोगों से आप लोग ज़रूर खरीदें, के बजाय वो बेचारे किसी के सामने हाथ फैलाने के अपने मजदूरी कर रहे हैं तो उनकी भी हौसला अफजाई हो, वो किसी से मांग नहीं रहे ना किसी से, किसी के सामने हाथ फैलाते हैं। तो कोशिश आप ऐसी करें, अगर कोई रेडी वाला है, उम्र रसीदा है, कोई ठेले वाला है, या कोई मतलब ऐसे रक्षा है, रक्षा के अंदर भी वो आप देखेंगे कोई इवन के 70 साल का बंदा है, 75 साल का बंदा है, तो कोशिश आप करें कि उसी के रक्षे में आप चढ़ें, ताकि उसका सपोर्ट हो सके, उसके घर का निज़ाम चल सके, और बगैर वो किसी के हाथ फैलाए, बगैर अपने हाथ फैलाए किसी से भी अपने वक्त की जो जायज़ ज़रूरतें वो पूरी कर सके। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त रिश्तों के अंदर कोई सच्चाई नहीं है, चाहे वो बेटा है, भाई है, बहन है, सिवाय अल्लाह के आपकी कोई मदद नहीं करेगा। अगर ऐसे उम्र रसीदा लोग आपके सामने आते हैं, वो आपके सामने हाथ नहीं फैला रहे, लेकिन आप उनसे अगर आप ख़रीदेंगे तो मैं समझ जाऊँ उनकी हौसला अफजाई होगी और उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो मैं खड़ा हूँ इन ठेले वाले के साथ, ज़रा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा दिलावर। दिलावर साहब, कितने का रोज़गार आपका हो जाता है इसमें? यार कुछ भी नहीं है, आजकल महंगाई है, गन्ना भी महंगा है, पेट्रोल भी महंगा है, बस इतना होते है, बस रात की रोजी मिल रही, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र अल्लाह का। को हम तो यही दुआ करते हैं कि आपकी एक तो उम्र बड़ी हो गई, लेकिन आपकी हिम्मत है कि अभी आप काम कर रहे हो, किसी के मोहताज नहीं। हाँ यार शुक्र, ये भी अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं सेहत से साबित हूँ, अब अपने हलाल रोजी कमाता हूँ बच्चों के लिए, अल्लाह मेरे रोजी में बरकत गले और तुम्हारे भी बरकत गले, हमारे ये गरीबी पे पहुँचा दे आगे, अल्लाह तुमको भी सवाब देगा। हाँ मैं खड़ा है 63 उम्र है हमारा, अभी भी मैं काम कर रहा हूँ। ज़रूर कोई ना कोई ज़रिया करेगा और इंशाल्लाह इसी में अल्लाह पाक आपको बरकत डाल के देगा, आप दुकानों के मालिक होंगे इंशाल्लाह। अब मेरे लिए दो बना लेना। तो देखें बेचारा बता रहे कि आई एम 63 ईयर ओल्ड, बट आई स्टिल स्टडिंग, बट आई कांट सर्वाइव। तो इनको मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ कि बेचारे अब भी मतलब मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन ये उसके साथ अपने काम के साथ बहुत ही सेंसियर हैं। तो एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसी जगह से ज़रूर पिए, अगर शॉप वाला है तो एक ही बेचारा जगह पे खड़ा हुआ है, अल्लाह पाक उसके हिस्से की रोज़ी उसको भी दे देता है, लेकिन ये बेचारे मतलब अगर एक घंटा कहीं किस चौक पे खड़े हो जाते हैं, दूसरे घंटे दूसरी चौक पे, कई जगहों पे इनको अलाउड भी नहीं होता रुकने का, लेकिन ये बेचारे कि अपने रोज़ी के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए। और ये और भाई हमारे खड़े हुए हैं, ज़रा इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, आपका नाम? रफीक। रफीक आप क्या करते हो? मैं गाड़ियों को ग्रीस मिनिस करता हूँ, सफाई मफाई करता हूँ। सफाई क्या करते हो? तो कहाँ रहते हो आप? माजी के मेरे थे।
तो मतलब ये चलते फिरते आप लोग ग्रीस करते हो? शुक्र है, दुकान नहीं है। अच्छा, बस रोजी का भी एक जगह भी दूसरी जगह ठिकाना है, लेकिन अल्लाह पाक दे रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दे दिया। तो देखिए ये एग्जांपल मैंने दो बंदों का आपको दे दिया, उम्र रसीद हैं बेचारे और ये गाड़ियों को ग्रीस वगैरह करते हैं, ठीक है ना। जहाँ किसी ने फ़ोन किया है या किसी की गाड़ी अगर ख़राब हो गई तो वहाँ पहुँच गए। तो ये उम्र रसीदा, मैंने अब यही सोचा कि मैं जितने भी देखूँगा, अगर कोई गाड़ी चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, इवन कोई गधा गाड़ी चला रहा है, तो उनका वह इंटरव्यू करके उनका मौक़िफ भी मैं आप लोगों के सामने मैं ज़रूर रखूँगा। और मेरे एक और ही भाई खड़े हुए हैं, शायद बात कर सकें। बाबा सलाम अलैकुम। अच्छा, टैक्सी हो, माशाल्लाह। तो ये देखें, मेरा लग गया कि ये तीसरा बंदा जो है, हालांकि उम्र रसीद है लेकिन अपन का अपना रोज़गार कर रहा है। बाबा कितनी उम्र है आपकी? मेरा 73-74 होगा। 73-74? हाँ। तो ये आप सुबह निकलते हो, फिर रात को कितने बजे टैक्सी बंद करते हो? मैं सुबह 7 बजे, कभी 8 बजे निकलता हूँ और रात को ईशा नमाज के बाद बंद कर देता हूँ। वो कोई सवारी नहीं लगते है, 8-8, 10-10 दिन भी नहीं लगते है। खाली आता है, स्टॉप पे खड़ा होता है, इधर भी रेंजर वाला कभी तंग करता है, कभी पुलिस वाला तंग करता है कि गाड़ी इधर खड़ा नहीं करो। भाई किधर जावे हम लोग, आखिर किधर जावे? तो ये भी तंग कर रहे है, वो गवर्नमेंट हर तरफ पे हम लोगों को तंग कर रहा है। आप देखें कि लोग कितने मतलब मायूस हो चुके हैं कि रोज़गार उनके पास नहीं है। हालांकि 73 साल भाई मेरे जो है अपनी एज बता रहे हैं, 73 साल की उम्र में भी माशाल्लाह बहुत से लोगों की तो नज़र भी काम नहीं करती, लेकिन 73 साल के उम्र के अंदर भी वो अपनी मजदूरी कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन वो बेचारे बता रहे हैं कि 10-10 दिन जो है वो तकरीबन कोई इनको पैसेंजर नहीं लगता। तो हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक हर इंसान को इतना दे, जो कुछ भी अगर वो मांगता है अपने अल्लाह से मांगे। इंसान किसी को कितना देगा, 2 दिन 3 दिन उसके बाद तो वो ज़ारे के दुकार देगा, लेकिन वो मेरा रब है, रहमान है, रहीम है, वो जितना भी देता है उसके बाद ना वो तंज करता है, ना उसके ऊपर वो किसी को जाके बोलता है कि मैंने जी इसको इतने दिए। तो बस अल्लाह पाक हर इंसान को इतने दे और हमारे कंट्री के हालात बेहतर हों पाक परवरदगार करके। ऐसे लोगों को तो घर में बैठा के क्लेम देना चाहिए, तो उनको किसी के सामने ना अपने बच्चों को, ना भाई के, ना किसी के मतलब मोहताज उनके ना हो। तो अल्लाह पाक वो दिन भी लाए जब हमारी गवर्नमेंट बजाय हमसे लेने के इन लोगों को दे। तो ये हम इनसे एक गन्ने का जूस हमने लिया है और भाई भी हमारे खड़े हैं, उन्होंने भी लिया है, एक आध बंदे यहाँ भी खड़ा हुआ था। तो अल्लाह पाक करके बस इनकी इतनी सहल हो जाए जो इनका आज का दिन जो है अच्छे तरीके से निकल जाए। तो पाक परवरदगार आप लोगों को शाद रखे, आबाद रखे, अल्लाह पाक हर मुश्किल से महफूज रखे। चैनल मेरा देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।